नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आप सभी लोगों को संधि के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी तत्परता से पढ़ें और हमें भी सेवा का मौका अवश्य दें। तो आज का विषय है संधि। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि की परिभाषा दो वर्णों या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि को आप कैसे समझेंगे, देख लीजिए। देव प्लस आलय मतलब देवालय। जब जगन्नाथ को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, जगत प्लस नाथ तब हो जाएगा जगन्नाथ। अच्छा, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद अलग होता है। जैसे संधि विच्छेद संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो देख लीजिए स्वर संधि, अब स्वर संधि पे हम आते हैं। स्वर संधि के बाद स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा महात्मा। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम शुरू से ही अब दीर्घ संधि में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ी ई, छोटा ओ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ओ। तो इससे हम अब एग्जांपल देखते हैं, धर्म प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा धर्मार्थ, क्योंकि माँ में आ की मात्रा और आ मिल जाता है तो क्या होता है बड़ा आ बनता है, इसलिए धर्मार्थ हो गया। देव प्लस अर्चन तो क्या हो गया देवार्चन, वहाँ में छोटा आ और अर्चन के आगे आ है तो इसलिए वहाँ पे बड़ा आ बन गया, इसलिए क्या हो गया देवार्चन। फिर छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ तो क्या होता है मत्ता प्लस अनुसार तो क्या हो जाएगा मता अनुसार, सत्य प्लस आग्रह तो क्या हो जाएगा सत्याग्रह। फिर देवागमन में क्या हो जाएगा देव प्लस आगमन तो देवागमन हो जाएगा। अच्छा, परीक्षार्थी को ऐसे तोड़ते हैं तो क्या होगा परीक्षा प्लस अर्थी तो परीक्षार्थी होता है। अतीब, अतीब को तोड़ेंगे तो क्या होगा अति प्लस ईव, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। फिर भानुदय को तोड़ते हैं, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। अच्छा, अब देखते हैं गुण संधि को। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है, छोटा प्लस छोटी ई बराबर ए, और छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर ओ, और छोटा आ प्लस र बराबर अर बनता है। तो अब आगे चल के देखते हैं, जैसे नरेंद्र लिखा हुआ है तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे, नर प्लस इंद्र तब बनेगा नरेंद्र। जैसे पुष्पेंद्र लिखा हुआ है तो पुष्पेंद्र पे पुष्प प्लस इंद्र तो पुष्पेंद्र हो गया। फिर वैसे ही वीरोचित, वीरोचित को कैसे हम करेंगे, वीर प्लस उचित तो उसमें वीर में छोटा आ और उचित में छोटो ओ मिलाकर ओ का निर्माण होता है, इससे वीरोचित लिखते हैं। फिर महौष्ल, महा प्लस औष्ल तो महौष्ल हो गया। देव प्लस ऋषि देव ऋषि, सप्त ऋषि कैसे लिखेंगे, सप्त प्लस ऋषि आ और र मिलकर अर का निर्माण करते हैं।
तब आते हैं वृद्धि संधि पे। तो वृद्धि संधि को देख लीजिए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, छोटा आ प्लस ए बराबर ए, छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ, और बड़ा आ प्लस बड़ी ए मिलकर क्या बनते हैं, आए का निर्माण करते हैं। बड़ा आ प्लस बड़ा औ मिलकर औ का निर्माण करते हैं, जैसे आ प्लस ए बराबर ए, एक का एक, एक का एक को कैसे तोड़ेंगे, एक प्लस एक, तो एक एक होता है। मतैक्य में मत प्लस ऐक्य, तो मतैक हो जाएगा। वन औषधि को कैसे तोड़ेंगे, वन प्लस औषधि, तो वन औषधि हो जाता है। परम प्लस औषधि में परम प्लस औषध, औषध तो क्या हो जाएगा, परम औषध। इसके बाद हम अयादि संधि पे आते हैं, तो इसमें क्या है, इसका सूत्र है, इसमें ए प्लस आ बराबर आय होता है, इसमें आय प्लस आ मिलकर आय बनाते हैं, और आय प्लस ई बना बराबर आई, और ओ प्लस अब बराबर अब, ओ प्लस ई बराबर आवी, और ओ आओ प्लस वह बराबर आव। तो इसमें नयन, नयन को कैसे तोड़ते हैं, ने प्लस अन, तो क्या बनता है, नयन। नय प्लस अख बराबर क्या बनता है, नायक। नय प्लस इका बराबर नायिका। पवन को कैसे तोड़ते हैं, पो प्लस अन, तो पवन बनता है। नाभिक को कैसे तोड़ेंगे, नौ प्लस इक, इससे नाभिक बनता है। फिर आप जैसे पवन को तोड़ना है, तो पवन को कैसे तोड़ेंगे, पौ प्लस अन, तो पवन का निर्माण होता है। इसी तरह हम यड़ संधि पे आते हैं, यड़ संधि, तो यड़ संधि को देख लीजिए, छोटी ई प्लस आ बराबर या, छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा या, छोटी ई प्लस छोटा ओ बराबर यू, और छोटा ओ प्लस छोटा आ बराबर वाह होता है, छोटा ओ प्लस छोटी ई बराबर वी होता है, र प्लस आ बराबर रा, और र प्लस छोटी ई बराबर री बनता है। तो इससे जैसे हम लेते हैं अत्यधिक को, तो अति प्लस अधिक बनता है, तो अत्यधिक बनता है। फिर इत्यादि लेते हैं, इति प्लस आदि, इत्यादि हो जाता है। फिर उपर्युक्त को, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त होता है। स्वच्छंद को कैसे विच्छेद करते हैं, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ होता है। फिर अनवित को कैसे विच्छेद करेंगे, अनु प्लस इत, तो अनवित हो जाता है। ऐसे ही पितृ, पितृअनुमति को पितृ प्लस अनुमति, तो पितृअनुमति बनता है। फिर मातृ इच्छा को कैसे करते हैं, मातृ प्लस इच्छा, तो होता है मातृ इच्छा। फिर इसी तरह पितृ प्लस इच्छा, तो होता है पितृ इच्छा। आगे हम यहाँ पे हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है, अब हम व्यंजन संधि पे चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि में क्या सूत्र और क्या नियम लगते हैं। तो देखिए अब हम व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। जैसे व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वागीश में वाक प्लस ईस, तो वाक में का में हलंत लगता है, क्योंकि का आधा होता है, का की जगह पर गार का निर्माण होता है, तब वागीश बनता है। अब सज्जन में सत प्लस जन, ता में हलंत लगता है, तब सज्जन बनता है। फिर उद्धार उत प्लस हार, उद्धार बनता है इससे। फिर ऐसी तरह दिग्गज को दिग प्लस गज, इस सबसे दिग्गज बनता है, का गा हो जाता है। इसी तरह वागीश में वाक
प्लस इज, तो वागीस हो जाता है, का गा हो जाता है। इस तरह इसमें यह लोप होता रहता है। वर्णमाला का प्रथम शब्द तीसरे शब्द में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट हुआ। अब हम विसर्ग संधि पे आते हैं, तो विसर्ग संधि को देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, निराहार, नि प्लस आहार तो हो जाता है निराहार। इसी तरह दुराशा पे दुह प्लस आशा तो दुराशा बनता है। तपोभूमि, तपह प्लस भूमि तो उसमें तपोभूमि बनता है। मनोयोगः, मन प्लस योगः, इस तरह ऐसे ही मनोयोग बनता है। इस तरह आज हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा है। कल इसी तरह हम संधि के बारे में कुछ थोड़ा ट्रिकी लेके आएंगे। और आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वाचिंग कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।